भगवान के कीर्तन में बैठते समय न हमें अपने तन का अवमान करना चाहिए, न अपने धन का अवमान करना चाहिए और ना ही अपने सम्मान का अवमान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में जो भी भक्त जाते हैं सभी का सम्मान बराबर होता है, ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है। और जो हम आप लोग इस मनुष्य के तन को धारण करके इस भूतल पर जो विचर रहे हैं, भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब कहीं जाकर के हमें और आपको ये मनुष्य का तन मिलता है। जब हम आप लोग मां के उदर में उल्टे लटके होते हैं, हमारे मुख में मल मूत्र गंदगी जाती है, तो कहते हैं प्रभु मुझे इस गंदगी से दूर कर दो, इस पृथ्वी पर जाने के बाद हम तुम्हारा हमेशा ही गुणगान करेंगे। लेकिन जब इस पृथ्वी पे आने के बाद सारे भगवान की उस से जो वादा किया है उस वादे को भूल जाते हैं। बताया गया है Thank you.